वहीं दूसरी ओर भिलाई सेक्टर 7 स्थित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा अंडर 16 खिलाड़ियों का टेस्ट मैच का ट्रायल जारी है। 2 अप्रैल से आयोजित इस मैच का समापन 20 अप्रैल को किया जाएगा। इस टेस्ट ट्रायल मैच में 8 टीमों के मध्य मैच छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खेला जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खेलने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी क्रिकेट ऑब्जर्वर शेख अनवर ने। ये इंटरेस्टिंग मैच है, अंडर 16 का मैच है, ये 8 ग्रुप का। इस मैच के बाद बच्चों की टीम बनती है, छत्तीसगढ़ टीम बनती है, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। आगे इनको कहाँ मौका मिलेगा? आगे ये स्टेट की टीम में खेलेंगे, छत्तीसगढ़ टीम में खेलेंगे, और उसके बाद जो BCCI का प्रोग्राम आएगा उस हिसाब से टीम बाहर जाएगी। इसमें तो जो अभी 8 टीम है, 8 टीम है, इसमें रायपुर की टीम है और BSP की टीम है, DC है और नांदगांव है, बिलासपुर है, दुर्ग की टीम है। ये करीब 20 अप्रैल तक चलेगा। इसको हम बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसको नाम इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट। हाँ, अंडर 16 जो मैच हो रहा है, इसमें अंडर 16 ग्रुप का मैच है। छत्तीसगढ़ की जो टीम, मतलब हमारे राज्य जो है क्रिकेट क्षेत्र में नया राज्य है, बहुत देर से हमको मान्यता मिली है और उसके बाद हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लड़के हमारे अंडर 19 में, अमनदीप खड़े भिलाई के लड़का है जो अंडर 19 इंडिया टीम में रहा है और बहुत अच्छी टीम अभी खेल रही है और हमको बहुत चांस मिल रहा है। कभी केंद्र और राज्य से कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट एक अलग संस्था है, प्राइवेट संस्था है। BCCI या कोई मतलब केंद्र और राज्य से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है, क्रिकेट अलग से ही चलता है, इसमें राज्य केंद्र को कोई योगदान नहीं है। एक खेल मंत्री है, बट क्रिकेट एक अलग संस्था है, प्राइवेट संस्था है, तो राज्य शासन की गैलरी में नहीं आता। जो ओलंपिक गेम है वो आते हैं उसके अंदर, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है और अभी बहुत चांस मिल रहा है खेलने बच्चों को। पहले तो इतना चांस मिलता ही था, अभी बहुत सारे मैचेस मिल रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए और बच्चे अच्छे मेहनत भी कर रहे हैं, इतने कट डिग्री में मैच कर रहे हैं बच्चे, इतने डिग्री में मैच कर रहे हैं। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, जसपुर, कोंडागांव और जो आउटर जो है प्लेट ग्रुप के लड़के हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है, भिलाई है, रायपुर है, बिलासपुर है, नांदगांव है, दुर्ग है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर स्पोर्ट्स का अच्छा कल्चर है और यहाँ पर अच्छे से खिलाड़ी निकलते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट को बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि सब कोई जीतता है, कोई जीतता है।